जस्ट हमें जो हमारे नेशनल जो किसान लीडर हैं उनके साथ बात हुई है, अभी उनकी मीटिंग चल रही थी, मीटिंग जो है वो ख़त्म हो गई है। उनकी हमारे पास कॉल आई है कि जैसे पंजाब के अंदर परमानेंट पर्ची मुक्त है टोल प्लाजे, तो ये टोल प्लाजे अब जितनी देर सरकार वो काने कानून जो है वो वापस नहीं लेती उतनी देर ये जो टोल प्लाजे हैं वो पर्ची मुक्त रहेंगे। हम परमानेंट इनके ऊपर जो धरने के तौर पे हमारे जो बंदे हैं उनकी ड्यूटियां रहेंगी, ये टोल प्लाजे परमानेंट जो है वो पर्ची मुक्त रहेंगे पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा के अंदर। पंजाब के अंदर तो पहले ही ऑलरेडी पर्ची मुक्त है आपको पता ही है, लेकिन हम जो लोग हैं हम हमारी नेशनल कॉल्स को फॉलो करते हैं। जो भी वहां से हमें आदेश आता है, चाहे किसी का घेराव करना है, कोई रोड जाम करना है, तो हम उनकी बात मानते हैं। तो हमारे पास कॉल आ चुकी है, ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि 3 दिन की हमारे पास नेशनल कॉल थी 25, 26 और 27 तारीख की। तो ये इसके बाद 27 के बाद अब परमानेंट ही ये टोल प्लाजे जो हरियाणा के हैं वो पर्ची मुक्त रहेंगे। हम जो है अब भावदिन टोल प्लाजा के पास है, सिरसा के आसपास 2 टोल प्लाजे हैं, एक तो हमारा कुइयां मलकाना टोल प्लाजा है और एक ये भावदिन है। हमारी जिम्मेदारी भावदिन टोल प्लाजा की है, तो इसके बाद जो है ये टोल प्लाजा परमानेंट पर्ची मुक्त रहेगा।